नमस्कार साथियों, मैं हूं किशन रेगर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने इस चैनल पर ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की कक्षाएं मैंने जो है प्रारंभ कर दी है, जिसका पार्ट वन मैंने ऑलरेडी जो है अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्या अर्थ है और उसकी क्या परिभाषा है वो उसमें मैंने बता रखा है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो यहाँ पर जो है आप आई बटन पर आपको जो उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज आप वो क्लिक कर पहले वो वीडियो देख लीजिए। आज जो है ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का पार्ट टू जो है हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का महत्व और इसकी आवश्यकता के बारे में समझाएंगे। उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन में बेल को जो है ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। उससे मेरे जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के महत्व और आवश्यकता के ऊपर चर्चा करने से पहले जो हम इसके अर्थ को जो है एक बार और समझ लेते हैं। एक मिनट के अंदर हम देखेंगे इसके अर्थ को। देखिए, सूचना का जैसा कि मैंने आपको अर्थ बताया था, किसी भी विषय वस्तु की जानकारी, और दूसरा शब्द है आपका संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, जो भी आपका कंटेंट है उसका आप आदान प्रदान करते हो, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। तीसरा शब्द है आपका तकनीकी, मतलब जब आप सूचनाओं का आदान प्रदान तकनीकी संसाधनों से करते हैं, और किसी भी टेक्निकल संसाधन जिससे जो है वो सूचना आसानी से फास्ट और सही तरीके से पहुंच जाती है, वो एक तरह से सूचना एवं संप्रेषण तकनीक कहलाती है। अब जो है हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के महत्व को समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जीवन जो है आधुनिक संसाधनों से घिरा हुआ है। हम जो है अपने सभी कार्य आधुनिक संसाधनों के माध्यम से ही करते हैं, चाहे जो भी कार्य हो गया, हर चीज में जो है आपको आधुनिक संसाधन देखने को मिलेंगे। वर्तमान में अगर संसाधन नहीं होंगे तो हमारा जीवन जो है एक तरह से बिल्कुल वीरान सा हो जाएगा। हम अपने कार्यों को जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां कर मैं बात करूँ, अगर आपको इधर उधर जाना भी होगा तो आप जो है अपने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करोगे, कार का इस्तेमाल करोगे, जो है साइकिल का इस्तेमाल करोगे, या फिर अगर आपको बात करनी होगी तो आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करोगे, किसी को इधर उधर कई सूचना पहुंचानी होती है तो आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करोगे, चाहे जो भी हो गया आपके घर के काम के अंदर, यहाँ पर रसोई के अंदर जो भी आपका कार्य हो गया, आप जो है उसमें कहीं ना कहीं तकनीकी संसाधनों का जो है आप उपयोग करते ही है, और वो जो संसाधन है वो इतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं कि आपका जीवन जो है उनके बिना बिल्कुल जो है अधूरा सा लगता है। अगर वो तकनीकी संसाधन नहीं होंगे तो आपका जो काम है बहुत ही मुश्किल भरा हो जाएगा, आपका काम जो भी आप करना चाहते हो उसमें बहुत ही बड़ी मुश्किलें होंगी। हमारा जो जीवन है वर्तमान में जैसा कि लाइट के ऊपर डिपेंड है, सारा काम जो है लाइट के माध्यम से होता है। अगर लाइट नहीं तो इसका मतलब हम जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जितना भी जो है हमारा जीवन जो है एक तरह से तकनीकी संसाधनों से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बात आती है शिक्षा के अंदर सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से। तो शिक्षा के अंदर भी जो है तकनीकी संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से पढ़ाई से लेकर जो है बात करो, आप कोई से भी कार्यालय संबंधी हर एक क्षेत्र के अंदर जो है कहीं ना कहीं कंप्यूटर का, इंटरनेट का जो है वो उपयोग होता ही है, और उसी से जो है हमारा जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली जो है वो इसी के ऊपर जो है डिपेंड है। कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षण कार्य को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की जनसंचार माध्यमों का प्रयोग एक उत्तम साधन है। प्राचीन काल से चली हुई आ रही शिक्षा की पद्धति में नवीन तकनीकी संसाधनों का प्रयोग कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और शिक्षा की पद्धति में नवीन परिवर्तन लाकर शिक्षा व्यवस्था को नया मुकाम देना ही इसका लक्ष्य कहा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तकनीकी संसाधन जैसे दूरदर्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फिल्म प्रोजेक्टर, आवर हेड प्रोजेक्टर, वैज्ञानिक एवं प्रक्षेपी यंत्रों के प्रयोग से शिक्षा को परिवर्तन कर लिया है। वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा ने बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। घर बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, यह सब इन तकनीकी संसाधनों के माध्यम से ही हो पाया है। अतः शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी लेकर आया है। तो यही कुछ इसके सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का महत्व था। अब जो है हम आगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। इनको जो है पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। कुल जो है 7 पॉइंट हमारे पास में है। पहला है सूचना संवाहन। देखिए, प्राचीन काल से जो है हम देखते हैं कि हमारे सूचनाओं को भेजने के लिए जो है हम फर्स्ट स्टार्टिंग में कबूतर के माध्यम से जो है सूचनाओं को भेजा जाता था। उसके बाद में है जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सूचनाओं को हम जो है लेटर के माध्यम से या फिर बाय पोस्ट जो है हम सूचनाओं को लेटर को हमारे भेजते थे, और वर्तमान में जो है टेक्नोलॉजी ईमेल के माध्यम से
व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजों का जो है आदान प्रदान करने में आ चुकी है। तो मतलब देखिए इतना सब कुछ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन के साथ साथ में प्लस पॉइंट ये है कि पहले सूचनाओं का जो संवाद होता था, सूचनाएं जो भेजी जाती थी उसमें जैसे डाक के माध्यम से भेजना है तो उसमें काफी समय लगता था और जो है खर्च भी अधिक आता था और जो है वो सही तरीके से सही समय पर पहुंच नहीं पाती थी। वर्तमान में जो भी सूचनाएं जो हैं हम जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो वो जो है सूचना फास्टली पहुंच जाती है और किसी को भी हम जानकारी जो है आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। हमारा ऑफिस संबंधी कार्यालय संबंधी कोई भी है जो कार्य जो है हम फटाफट से करवा सकते हैं। तो यही कुछ है सूचना संवाहन जो है इसकी आवश्यकता जो है सूचनाएं संप्रेषण तकनीकी में कही गई है। दूसरा है कक्षा शिक्षण। जैसा कि आपने शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ा ही होगा कि कक्षा के अंदर जो है हम टीचिंग एड के माध्यम से अगर पढ़ाएंगे तो वो जो है स्टूडेंट को जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो एक शिक्षण विधि कही गई है टीचिंग एड के माध्यम से पढ़ाना। स्टूडेंट को जो है अगर हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाते हैं तो वो जो है स्टूडेंट को जल्दी समझ में आता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कक्षा शिक्षण की सूचना संप्रेषण तकनीकी की। तो सूचना संप्रेषण के सबसे बड़े जो है संसाधन कहे जाते हैं प्रोजेक्टर कहे जाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई गई कही जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ाई गई जाती है। आप जो है प्रोजेक्टर में अपनी स्टडी मटेरियल को जो है आप फिल्म के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हो, फोटो के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो जो है स्टूडेंट को हो जल्दी से समझ में आते हैं। तो यहाँ पर जो है कक्षा शिक्षण के अंदर भी सूचना संप्रेषण तकनीकी ने बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आया है और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को बदल दिया है। और जो पहले की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें और अभी वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में काफी जो है परिवर्तन आया है और उसकी जो गुणवत्ता है जो वो काफी बढ़ चुकी है। पहले जो शिक्षण कार्य होता था और अब जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासों के माध्यम से जो स्टडी होती है वो उन दोनों में काफी फर्क है। सिंपल तरीके से जो क्लासें देखी जाए तो समझ में नहीं आती है जितनी जो हम स्मार्ट क्लासों के माध्यम से प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाते हैं। तो कक्षा शिक्षण के अंदर भी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी बहुत ही महत्वपूर्ण। तीसरा है शैक्षिक निर्धारण। कोई भी कोर्स हो गया नया लॉन्च करे या फिर पुराना कोर्स के अंदर संशोधन करे तो हमें जो है बहुत बड़ी टीम की जो है आवश्यकता होती है। बहुत सारा मैटर जो है हमें एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारे लोग जो हमें इकट्ठे करने पड़ते हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा कोर्स अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो इसमें बहुत कुछ चीजों का ध्यान में रखना चाहिए कि आपका कोर्स कौन सा होगा, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होगी, कौन कौन से पार्ट होगा, कौन कौन से लेसन होंगे, कितना कंटेंट होगा, कितने साल का होगा। जैसा कि आपका ये कोर्स जो है बीएड, एक एग्जांपल देता हूँ, बीएड जो है एक साल का था, उसको दो साल का किया तो उसमें भी लगभग पांच से सात साल या फिर 10 साल जो है कहे गए हैं। तो इसके अंदर जितना भी परिवर्तन करना है वो जो है एक तरह से फटाफट जो है संभव नहीं हो पाता है। तो वहां पर हमें बहुत सारी तकनीकी संसाधनों का जो है हमें प्रयोग करना पड़ता है, हमें बहुत सारा जो मैटर है इकट्ठा करना पड़ता है और वो मैटर जो है हमें आईसीटी प्रोवाइड कराता है। एक जगह बैठकर जो है आप आसानी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, दूर दराज के लोग जो बैठे होते हैं उनसे आप आसानी से बात कर सकते हैं, अपने नई शिक्षा लागू करना चाहते हैं उसके लिए जो है आप अलग अलग बैठकर भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं। यहां तक अगर आपको कोई भी मैटर अगर चाहिए तो इंटरनेट के माध्यम से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, अपने कंटेंट को इधर उधर भेज कर जो है आप के ऊपर डिस्कस करवा सकते हो। तो शैक्षिक निर्धारण जो है वो आपका फटाफट से जो है जल्दी जो है तैयार हो जाएगा। कोई भी नया कोर्स को हो या फिर कोर्स के अंदर संशोधन को हो तो वो भी जल्दी से हो जाता है। तीसरा है आपका पाठ्यक्रम का निर्धारण। आपका जैसे बीएड कोर्स है तो बीएड कोर्स के अंदर कौन कौन से जो है चैप्टर होने चाहिए, कौन कौन से उसके अंदर विषय होने चाहिए, ये सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। नया कोर्स अगर लागू करते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप कौन कौन से विषय इसके अंदर रखोगे, विषय के अंदर कौन कौन सा मैटर आप इसके अंदर दोगे, कौन कौन सा टॉपिक इसके अंदर होने चाहिए, तो वो भी जो है बड़ी समस्या आती है। अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी संसाधन नहीं होते हैं तो आप जो है उसका निर्धारण करने में बहुत ही बड़ी मुश्किलें होती है और ये जो आईसीटी जो है इंटरनेट जो है कंप्यूटर जो है उन सभी कार्यों को जो है आसानी से आपको प्रोवाइड करा सकता है और आप जो है आसानी से जो है पाठ्यक्रम निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक प्रशासन। देखिए शैक्षिक प्रशासन के मतलब ये है कि जो भी आपकी शिक्षा व्यवस्था को संभालने वाला पद होता है, शिक्षा मंत्री कहा दो या फिर जो भी विभाग होता है वो एक तरह से शैक्षिक प्रशासन कहलाता है, जो कि आपके राज्य में आपके जो भी आपका क्षेत्र है उसमें शैक्षिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कितना जो है शैक्षिक कार्यक्रम जो है सही से चल रहा है, कहाँ पर इतना अच्छा जो है रिजल्ट रहा, कितना बुरा रहा, किन किन जो है शैक्षिक संसाधनों की कमी है या फिर किन किन चीजों की कहाँ पर कितनी कमी है, तो ये सारी चीजें कौन देखता है, शैक्षिक प्रशासन देखता है। तो शैक्षिक प्रशासन को जो है एक जगह पर बैठकर जो है इतने सारे स्कूल का डेटा जो है मिलना जो है
आईसीटी के बिना संभव नहीं है। क्योंकि देख लीजिए वर्तमान में जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं वो सब शाला दर्पण पर जो है अटैच कर रखे हैं, सभी का जो है डेटा जो है शाला दर्पण इंटरनेट के माध्यम से मैपिंग कर रखा है, तो हर एक डेटा हर एक स्टूडेंट का हर एक शिक्षक का जो है डेटा जो है वहां पर शाला दर्पण पर अपलोड है। किन स्टूडेंट के कितने नंबर आए, कौन सी क्लास में अच्छा जो है रिजल्ट रहा, कौन से स्कूल जो है अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, कौन सा शिक्षक जो है अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा शिक्षक जो है उसका रिजल्ट सही नहीं रहा, ये सब जो है आप बिना आईसीटी के माध्यम से एक जगह बैठकर नहीं देख पाओगे। तो शिक्षा शैक्षिक प्रशासन के अंदर भी आईसीटी ने बहुत ही बड़ा जो है योगदान रहा है। वो जो है शैक्षिक प्रशासन अपने विभाग में बैठकर जो है अंकुश लगा सकता है, ये सारा डेटा जो है वो फिल्टर करके देख सकता है, जहां पर भी कमजोर दिखेगी कड़ी, जहां पर भी शैक्षिक जो है गुणवत्ता के अंदर कमी दिखेगी तो वो जो है अलग से एक्शन लेकर जो है वहां पर जो है नियम लागू करेगा और जो है पाबंद करेगा उसकी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, शैक्षिक निर्धारण जो है वो अच्छा करने के लिए जो है वो वहां पर अलग से जो है वो टीम जो है प्रोवाइड कराएगा, जिससे वहां की शिक्षा व्यवस्था सही से चल सके। शिक्षक विद्यालय के अंदर सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसकी उपस्थिति कैसी है, वो जो है सही तरीके से जो अपना रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सब कुछ जो है शैक्षिक प्रशासन जो है वो वहां से बैठकर जो है आसानी से देख सकता है और जो है एक्शन ले सकता है। तो ये कुछ जो है फायदा जो है आईसीटी ने शैक्षिक प्रशासन को दिया है, शिक्षा विभाग को जो है शिक्षा मंत्री है जो भी इसका विभाग है उसको प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट है आपका परीक्षा मूल्यांकन। देखिए आप जो भी कार्य करते हो उस कार्य की सफलता को असफलता को नापने के लिए क्या होता है, मूल्यांकन कहा जाता है। तो मूल्यांकन आपकी जो भी कार्य कर रहे हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो भी कार्य कर रहे हो वास्तव में वो जो कार्य सफल हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मूल्यांकन को एक बड़े लेवल पर करवाना, जितने भी स्कूल्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे जो हैं कक्षाएं हैं, उन सभी का मूल्यांकन जो है वो करना बहुत ही बड़ा एक कार्य होता है। अगर आप ऑफलाइन कागजों के माध्यम से आप करोगे तो इसमें काफी कुछ जो है आपको टाइम लग सकता है, पर अगर मैं वर्तमान में जो टेक्निकल संसाधन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जो आपके साइट वगैरह हैं वो सब कुछ जो है एक्सेल शीट के माध्यम से अगर आप सभी डेटाओं को एक जगह लाकर आप एंट्री करने के बाद में आप जो है आसानी से रिजल्ट तैयार कर सकते हो, परीक्षा का मूल्यांकन जो है आप तैयार कर सकते हो और सटीक जो है आप मूल्यांकन निकाल सकते हो, इसमें कोई भी जो है आपकी गलती नहीं मिलेगी आपको और आपका जो है मूल्यांकन जो होगा जितने भी मार्क्स वगैरह होंगे वो आपका सटीक मिलेगा। तो परीक्षा के मूल्यांकन के अंदर भी जो है बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। जितने भी आज प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वो भी वर्तमान में ऑनलाइन होने लग गए हैं। तो ऑनलाइन होने से फायदा ये होता है कि आपका जो है वो एग्जाम जो है बिल्कुल सटीक होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी जो है गलती हमें देखने को नहीं मिलती है, आसानी से जो हम रिजल्ट उसी समय निकाल सकते हैं, कितने नंबर किसके आए वो सब कुछ जो है मशीन द्वारा जो है आसानी से हो जाता है। इंटरनेट के माध्यम से जो भी एग्जाम होते हैं वो जो है बहुत ही प्रभावशाली और गुणवत्तापूर्ण होते हैं नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं उनसे। तो ये जो है आईसीटी ने जो एक तरह से एक बहुत ही बड़ा जो है हमें प्लेटफॉर्म लाकर दिया है और इसमें जो है हमें बहुत ही जो है फायदा जो है देखने को मिला है, कोई भी किसी प्रकार की गलती हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है और हमें जो है अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, हम जो है परीक्षा का मूल्यांकन सही तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूरस्थ शिक्षण या फिर दूरस्थ शिक्षा कह सकते हैं हम। दूरस्थ शिक्षा के अंदर जो है आईसीटी की क्या आवश्यकता है समझ लीजिए। पहले हम समझते हैं दूरस्थ शिक्षण को। ऐसे व्यक्ति जो काम के साथ साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति बहुत सारे जो गरीब हैं या फिर जो अपना काम भी करना चाहते हैं और पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो सरकार ने उनके लिए जो है एक अच्छी जो है शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर लॉन्च की है और दूरस्थ शिक्षण व्यवस्था जो है यहाँ पर लेकर आई है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है घर बैठकर या फिर अपना काम करते हुए भी आप जो है कोई भी पाठ्यक्रम जो है वहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है आपका वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय या फिर एक NIOS करके और जो है शिक्षण संस्थाएं जो भी आपको ये सुविधा प्रोवाइड कराती है, ऐसी बहुत सारी जो है शिक्षण संस्थाएं जो है आपको दूरस्थ शिक्षण के जो है कोर्स प्रोवाइड कराती है और घर पर बैठकर या फिर आप जो है एक तरह से अपना कार्य करते हुए भी इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं। किस दूरस्थ शिक्षण को जो है बहुत ही बड़ा जो प्लेटफॉर्म जो है अच्छा जो है बनाने में आईसीटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जितना भी जो स्टडी मटेरियल संबंधी कार्य होता है प्रवेश से लगाकर उसके स्टडी मटेरियल से लेकर परीक्षा के मूल्यांकन तक सारा काम जो है यहाँ पर ऑनलाइन ही होता है। सब कुछ जो है आपको घर पर बैठकर मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सारा काम जो है ऑनलाइन फिल करके माध्यम से जो है आप आसानी से किसी भी कोर्स को जो है आप कर सकते हो। ये सब कुछ से संभव हो पाया है आईसीटी से हो पाया। वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है वो सारी जो है वो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के ऊपर ही डिपेंड है। तो यही कुछ है इसकी आवश्यकता और महत्व। उम्मीद करता हूँ आपको सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का महत्व और आवश्यकता समझ में आ गई होगी। अब जो है आगे हम ई अधिगम के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
जय हिंद जय भारत।